रिलेशनशिप पे लाइफ बहुत बोरिंग होती है। अगर आपके सीनियर्स और जूनियर अच्छे हैं ना, लाइफ सेटल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवेज, आज है 10 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 3:30 इन द इवनिंग। 2-3 दिन की सेलिंग में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और सबसे मेन चीज़ थी सी फेयरर्स का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर, रफ वेदर। सबसे पहले तो हमने उसको एक्सपीरियंस किया। रफ वेदर जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ तो हमें रास्ते में, बीच समंदर में रास्ते में बहुत सारे दोस्त भी मिले। इन अकेले रास्तों में खुशी के पल क्या होते हैं? खुशी के पल ये होते हैं कि जब आपको कोई और शिप, बड़ा शिप दिख जाए। तो अभी इफ यू कैन सी वो, ये एक कार कैरियर है, लेट मी जूम, जो हमें पास कर रहा है। और यही है वो छोटे छोटे मोमेंट्स जिनको देख के खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे लोगों को रफ वेदर से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई रियली एंजॉय दैट वेदर बिकॉज रेनी सीजन अच्छा लगता है घर में भी। तो यहाँ पे भी समंदर की बारिश जो है वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रफ वेदर को ही फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर आई थिंक 1.5-2 डेज, हमने काम, क्वाइट और शांत समंदर को भी एक्सपीरियंस किया। तीन चार दिन की सेलिंग करने के बाद में हम पहुंचे मुंबई हाई। इवन मैंने अपनी सेलिंग जो है वो स्टार्ट करी थी मुंबई से, लेकिन उसके बाद में हम गए वादीनार गुजरात में, और गुजरात से हम 2-3 दिन की सेलिंग करके पहुंचे बॉम्बे हाई। अब मुंबई हाई जो है वो मुंबई से 120-130 नॉटिकल माइल समंदर में ऑयल रिग्स है, एक लोकेशन है, ऑयल रिग्स है जहां से हमें क्रूड ऑयल जो है लोड करना था। तो जब ये लोडिंग शुरू होती है शिप के फॉरवर्ड साइड में, मतलब शिप के एकदम फ्रंट साइड में, कुछ मशीनरीज हैं जिन्हें हमें ऑपरेट करना होता है, ऑन ऑफ मैनुअली वहां जाके करना पड़ता है। तो हमारा शिप जो है वो 225 मीटर्स है, और अगर आप इसका आना और जाना करेंगे तो वो हो गया 500 मीटर्स, मींस हाफ किलोमीटर एक बार में। तो इफ यू विल गो 2 times 1 kilometer एंड इफ यू विल गो 4 times 2 kilometers, तो दिन में 2-2.5 kilometer की वॉकिंग जो है वो कॉमन है। लोडिंग के टाइम में ये चीजें कॉमन है।
बेसिकली मुंबई हाई में हम ऑयल जो है उसको लोड कर रहे हैं, अभी और टाइम जाएगा, एक दो दिन लगेंगे, देन वी विल गो टू चेन्नई पोर्ट, और चेन्नई पोर्ट पहुंच के आपसे बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। अभी मुझे डॉक्यूमेंटेशन कुछ काम है, मुझे जाना है ब्रिज पे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।